मैं सलमान मेहदीपट्टनम का साकिन हूँ। यहाँ मेहदीपट्टनम मस्जिद अजीजिया के पास डे वन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाज को जारी और सारी रखे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एहतजाज को रुकाने के लिए काफ़ी तरह की ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर गैर सियासी और सियासी बहुत तरह के जो है ना ये एहतजाज को रोकने की कोशिश हो रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा ये हिंदुस्तान में जो फिरौन की जो एंट्री हुई, तो मैं वो फिरौन को बता दूं कि वो फिरौन का भी जो है सो खात्मा हुआ इंशाअल्लाह, ये फिरौन का भी खात्मा होगा एक दिन इंशाअल्लाह। और जो दिल्ली में जो बर्बरता और जो शैतानियत की जा रही है, आप लोगों को मैं ये बात समझा दूं कि गोली मारो सालों को बोलने वाले भी ज़िंदा है और भड़काने वाले भी ज़िंदा है। मरे कौन? मासूम लोग। मासूम लोग के ऊपर हत्या के ऊपर फिर सियासत की जा रही है। जो भड़काने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मरने वाला मासूम लोग मरता है, ये लोग भड़काने वाले भड़काते रहते हैं और इन लोग की राजनीति चमकाते जाते हैं। तो मेरी आप ये बात समझ ले, इसके अंदर हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, किसी की बहन मरती है, किसी की माँ मरती है, किसी की बेटी मरती है, किसी का बाप मरता है, किसी का चाचा मरता है, किसी की चाची मरती है, दादी मरती है, दादा मरता है। तो मेरे भाई ये लीडर नहीं मरते ना इनके बच्चे मरते, ये लोग बस हॉलीडे बनाने अमेरिका दुबई जाते। तो मेरी बात समझो, अगर कोई हिंदू हो या मुसलमान, आप लोगों की उल्टे पैर की चप्पल निकाल के स्टेज पे फेंको। अगर कोई भी अगर गैर जरूरी अगर बात करता है, भड़काने की बात करता है, अगर मुसलमानों में रह के अगर मुसलमानों की अगर भड़काने की बात करता है, तो आप उल्टे पैर की चप्पल निकाल के स्टेज के ऊपर फेंक के मारो, तब ये हिंदुस्तान साफ और सुथरा रहेगा ही इंशाल्लाह।